Hi friends, welcome to the Gauravarya show. I have a very special guest. Today, a person who's dedicated his life to martial arts. You, I'm a guest. But, yes, you have to listen to this guy's story. It's an amazing story of a young man who leaves everything, who sells everything, and goes off to China to train in Kung Fu and other martial arts as well. Shifu, Thank Kanishk. You, sir. Thank you. Very nice.

शायद उनको पता नहीं होगा कि आगे जाके उनका बेटा यही करने वाला था अच्छा एंड दैट्स फ्रॉम इट स्टार्टेड सो आई माय ड्राइवर पुट मी इन मार्शल आर्ट्स क्लास कराटेस्टल फिर आई ट्रेंड इन टू इरानियन स्टाइल कुम्फू जिसे कुम्फूत कहते हैं मैंने अपना कलरीपैट भी किया और उसके बाद मैं एम करने चला गया यूरोप करके आया फिर एक साल मैंने नौकरी की एंड पासिंग ऑफ माई फादर प्लेज वेरी so रोल इन मी लिविंग

जो मैंने बोला कि वो फैसिनेशन मूवी से स्टार्ट हुआ एंड देन उसके बाद जब मैं रिलायंस में था मैंने अपनी रिसर्च की कहाँ जाना है कैसे जाना है अब तो पैसा नहीं था उतना सो आई रिजाइंड नौकरी छोड़ी मारुति 800 थी बेच दी सोने की चेन बेच दी जो भी मेरे पोस्ट ऑफिस में बैंक में पैसा था सारा मैंने करेक्ट कर लिया एंड मैंने अपनी माँ को बोला कि मैं जा रहा हूँ एंड शी वॉज इन अटर शॉक बिकॉज मैं तेरहवीं के बाद गया था तेरह दिन बाद अच्छा शी वॉज इन अटर स्टेट ऑफ शॉक की फादर की डेथ हुई है एंड ये मैं इसलिए किया क्योंकि मेरे फादर ने मुझको मरने से पहले जो लाइन बोली थी ना ऑलवेज डू नहीं नहीं। हाँ तो इसमें मजा आ रहा है हाँ तो लव और पैशन मेरा हो गया प्रोफेशन प्रॉब्लम क्या है सर इंडिया में लोग छह दिन काम करते हैं वीकेंड में अपना पैशन ढूंढते हैं करेक्ट आई एम लिविंग माई पैशन ट्वेंटी फोर आवर्स लास्ट सो मैनीयर्स मैं आपको बताता हूँ यू नो मैंने तो आपको uh, वैसे नहीं देखा बट हाँ. वैसे अदर मैंने यूट्यूब में भी शायद कभी देखा जी. था दोस्तों मैं बताता हूँ मैं uh, शिफू कनेक्श से पहली बार uh, मिला था आई मेट हिम इन एस एफ टी एस स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल नाहन है वहां पर वन पैरा एस एफ बी ए और वहां पर एस एफ टी एस ट्रेनिंग स्कूल भी है तो मैंने देखा कि यह नोएडा वासी वहां पे इंडियन आर्मी के पैरा एस को ट्रेन कर रहे हैं तो फिर मैंने इनसे बातचीत करी पता लगा अच्छा यह आप यहां पर हूं कितना टफ था फिर मैं फौज पे आता हूं। जी कितना टफ था सर बहुत टफ था अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में जैसे आप अपने बच्चे को या किसी को भी ट्रेनिंग के लिए भेजें तो हफ्ते में तीन दिन चार दिन एक घंटा दो घंटा मैक्सिमम उसके बाद वहां छह दिन सात घंटा हर रोज हमारा पहला एक्सरसाइज होता था एक हज़ार मीटर का पहाड़ है उसको हमको भागना पड़ता था बीस मिनट में एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाड पोजिशन फॉर एटलीस्ट वन आवर और हमारी टागें ऐसी हिल रही होती थी और नीचे लगी होती थी अगरबत्ती कि आप जल जाओ नीचे बैठे और पीछे से टीचर डंडा लेके खड़ा होता था खड़े हो गए तो डंडा oh, exactly like हाँ सर एकदम बहुत पड़े हैं हमको और उसके बाद तो आप इमेजिन करिए आप हफ्ते के छः दिन इस तरीके से और बंक बेड में सोता था कोई लग्जरी वो नहीं था तो so ऐसा okay. बंक बेड था वो से सेपरेट नहीं थे वो एक था उसमें फट्टा था उसमें कम से कम दस लोग एक साथ सोते थे एक की टांग दूसरे के ऊपर सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी यू नो थोड़ा पैम्पर्ड था लाइफ में यू नो ऑल फोर जनरेशन ऑफ़ जर्नलिस्ट सब कुछ हाथ में मिला और फिर चला गया अपनी जिद में फिर वहाँ जाके वो कहते हैं ना वो आटे भाव का भाव पता चल गया भाव पता चल गया सब कुछ लाइफ में खाना अलग भाषा अलग यू you नो know, ट्रेनिंग एंड माय ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी वाज पेनिंग इट वाज क्राइंग मसल्स वाज सोर मतलब उस वक्त मैं कॉम्बी फ्रेम होती थी कॉम्बी फ्रेम ले लेके ट्रेनिंग करता था मैं इतनी बुरी बट दैट ट्रेनिंग चेंज मी ये जो कॉन्सेप्ट ना सा माइंड ओवर मैटर जो आपकी फौज में होता है कि गोली लगने के बाद भी आप लोग लड़ते हैं देश के लिए वो कोई सिविलियन वो समझ नहीं सकता क्या हम लोग घर बैठ के ताली बजा देते हैं हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि आप लोग खड़े हुए हैं ये 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 सच है लोग लोग बहुत लोग डायलॉग बोलते हैं बट इट इज़ ट्रू आप लोग हट जाएं तो फिर आप किसी सिविलियन को भेजिए बंदूक पकड़ा के एक कान के पास से जब गोली निकलती है ना तब hmm. पता चलता है तो वो फिटनेस से भी ज्यादा ऊपर ना जो यहाँ पे चाहिए ना hmm. वो देता है ये यू नो

स्पेशल फोर्सेस एनएसजी गरुड़ मार्कोस एंड जितनी भी स्पेशल फोर्सेस हैं हुँ. किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने सर, का सर एक आ, मैं उनको अपने एल्डर ब्रदर की तरफ मानता हूं एंड ही इज रिटायर्ड नाउ एंड कर्नल साह, तो ही वाज एट दैट टाइम सीओ ऑफ 6आर उन्होंने शायद इस यंग पर्सन में कुछ देखा और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी अच्छा to train his uh, regiment and he asked me कि आप इनको knife to knife combat में खुकरी train करो because he knew I was very good at it तो मैं वहाँ से train करके उनको आया फिर मैंने नोएडा पुलिस स्टार्ट की somehow हाउ uh, जो मैंने ए डी जी इन्फेंट्री के सामने वो demo दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा बिकॉज सर अनाराम कॉम्बैट एक्चुअली अगर आप तो फौजी हैं अनार्ड कुछ होता ही नहीं है आपके फौज में everything hmm. is everything is armed, armed. only सो so, मेरा कहना यह है कि मैं किसी मार्शल आर्ट्स के बारे में बुरा नहीं बोल रहा जैसे हर चीज़ पानी का अपना महत्व है कॉफ़ी का अपना महत्व है खाने का अपना महत्व है इसी तरह फौज के लिए मार्शल आर्ट्स एक बहुत स्पेशलाइज कोर्स है आप विद अ कमांडो लोड विद अ गन विद अ स्लिंग विद अ पिट्ठू आप वो नहीं कर सकते जो आप एम एम केज में करते हो आप किक्स नहीं मार सकते uh.

जैसे हम लोग बोलते साबुन जैसे साबुन हम लोग बोलते दे जैसे तौलिया, तो अगर आपको बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी उस कल्चर में अच्छा अच्छा हाँ तो कालेस इज ब्लेड तो वो इज फॉलोड इन मोर देन 70 कंट्रीज इन 70 कंट्रीज स्पेशली इन आर्म फोर्सेज ऑल इलीट एस एफ यू नो काउंटर टेरर फोर्सेज वो मैं इंडिया में लेके आया वो मैंने इंट्रोड्यूस किया उसके बाद रिसेंटली मैं लेके आया सर इंडिया रैपिड असोल्ट टैक्टिक्स जो आपके डेव डेवग्रू हैं सील टीम सिक्स हाँ हाँ. वो फॉलो करती थी सो आई वेंट टू पॉल वनाक हु अ सेकंड जनरेशन स्टूडेंट ऑफ ब्रूसली ओके सो आई एम इज ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर हेड फॉर इंडिया वो मैंने पैरा एस में और आपके फिफ्टी टू एस एस सर काउंटर इंट्रोड्यूस वाले तो इस तरीके से मैं शावल इंडिया पहली बार लेके आया पिकीटी इंडिया लेके आया रैट इंडिया लेके आया मैं

आपने मूवीज़ में भी कराया जी सर तो जी। आप शुरू में मूवी का ब्रेक एक तो आपने दूरदर्शन वाली स्टोरी बनाई थी आपने था मुझे प्रोग्राम आया था जो इंडियन वर्जन था सेवन जो एनजीसी की बहुत बड़ी सीरीज थी तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि आप अक्षय कुमार को ट्रेन करिए अच्छा इन शावलिन कुफू एंड इन एंड अदर थिंग तो मैंने उनके लिए शो स्क्रिप्ट भी किया एपिसोड्स okay. उनको हेल्प की वो शो बहुत बड़ा हिट हो गया और उसके बाद एक दिन मैं जीके uh, में मेरा स्टूडियो था सर मैं वहाँ सिखा रहा था तो मुझे फ़ोन आया सर हाई कैन आई स्पीक टू कनिश्च मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ दिस इज फरान तो मैंने फ़ोन काट दिया मुझे लगा कि कोई प्रैंक मार रहा है मेरे ऊपर वो मेरे पास फिर से फोन आया सर दिस इज़ फरान अख्तर स्पीकिंग तो मैंने कहा अच्छा लगता है सीरियस है हाँ देन ही सेट कि हम डॉन के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं एंड वी नीड सम मल्टीपल मार्शल आर्ट्स आते हैं बिकॉज

ये इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर विद विद्युत सो आई वाज वन ऑफ़ द मेंटर फॉर दैट तो उनका शो किया था एंड वो मैं बात आपकी कंप्लीट कर देता हूँ पहले तो वो उसके बाद मेरे को डॉन मिली शाहरुख ने बुलाया अच्छा हाँ तो ही मी टू कोरियोग्राफ फिर वो सिलसिला सर मूवीज़ का चालू हो गया फिर मैंने कपल ऑफ़ फिल्म की ट्वेंटी फोर सीजन वन माधुरी दीक्षित के लिए गुलाब गैंग अभिषेक सो आई वर्क विद ऑल द स्टार्स सो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ बट नाउ डेज़ आई फोकस ऑन टू थिंग्स सर एक मेरा अपना रेजिडेंशियल स्कूल है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रेजिडेंशियल मार्शल आर्ट स्कूल विच इज़ कॉल्ड स्कूल ऑफ कॉम्पेटिव आर्ट्स वो नैनीताल में पंगोट के पास तो वहाँ पर आई हैव अ कपैसिटी ऑफ फोर्टी फाइव टू फिफ्टी पीपल टू स्टे नीट वो बनाया मैंने इसलिए था बिकॉज ताकि सविलियंस या फौजी लोग जो मेरे से ट्रेनिंग करना चाहते हैं लेकिन एक्चुअली कम स्टे विद मी देयर एंड ट्रेंथ मैं भी वहीं रहता हूँ अपने स्कूल में और कोई भी आके जैसे अभी आए हुए हैं लॉर्ड ऑफ फॉरनर्स दे

दोनों मार्शल आर्ट्स जैसे एक आप हैं एक मैं हैं hmm. दोनों लोग एक ही चीज़ करते हैं तरीका अलग है जाने का क्रैबमागा इज मोर एमटी हैंड ओरिएटेड सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ डिफेंस कि कोई अगर चाकू से मारे तो मैं बचाऊंगा वेर एज काली इज अ ब्लेड बेस्ड सिस्टम फिलीपींस में सर 80 परसेंट किलिंग इज डन माई नाइफ इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री टू ट्रैवल अच्छा हाँ मेरे मेरे ऊपर भी स्टैबिंग हो चुकी है वो कौन था बेचारा जो आपके हाँ सर वो, वो मरा वो बट आई ऑलवेज कॉल दिस बच गया हैंड और जो हम नाइफ से करते हैं वही हम हाथ से करते हैं तो हमको दो चीज नहीं सीखनी पड़ती अभी क्या होता है जनरल मार्शल आर्ट्स में आप पहले एम्प्टी हैंड सीखते हो फिर आखिरी में आपको वेपन सिखाते हैं बट ये फौज के लिए गड़बड़ है फौज का काम ही वेपन है इसलिए काली ज़्यादा सूट करता है मुझे लगता है बिकॉज वी स्टार्ट इमीजिएटली विद द वेपन्स जो वो इस्तेमाल करते हैं एंड देन यू गो टू एम्प्टी हैंड्स काली इज ब्लेड बेस्ड या ब्लेड बेस्ड सिस्टम एंड द ब्लेड सो इफ यू हैव अ ब्लेड न्यू हैंड एंड यू गो वन एंड टू सो इन एम हैंड यू ऑल्सो डू द सेम थिंग सो यू डोंट हैव टू लर्न डिफरेंट मेथड या बट दोनों की अपनी जगह आजकल तो फौज दोनों सीखते हैं क्राइम भी सीखती है काली भी सीखती है तो एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर से बेस्ट नो प्रॉब्लम एक और सवाल है ना कि

बेस्ड ऑन अमेन इट वॉज टॉट टू एन जी एन जी शावलिन निस जिसने ये सिस्टम दिया एक लड़की को जिसको एक लोकल लैंड लॉर्ड तंग करता था जबरदस्ती शादी करना चाहता था तो इस शावलिन मंक ने लेडी थी उसने इस लड़की को सिखाया अच्छा? और जब उस लड़की ने उस आदमी को हरा दिया hmm. तो उसने एक दिन पूछा कि आपने मुझे क्या सिखाया तो शीशा जस्ट गिव योर नेम तो उस लड़की ने उस लड़की का नाम था विंचुंग उसने अपना नाम दे दिया विंचुंग कुफू वहाँ से वो फेमस हुआ सो so, बहुत अच्छी चीज़ इससे एक चीज़ समझ आती है दैट मार्शल आर्ट्स इज नॉट अबाउट अ स्ट्रागर गाय टू बुली अ वीकर गाय इट्स अबाउट अ वीकर पर्सन टू बी एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट अ स्ट्रोंगर मैन और सबसे बढ़िया चीज़ जो सर आपने बोली माइंड द बिगेस्ट वेपन इन लाइफ विच आई एव लर्न इन मार्शल आर्ट्स इज योर टंग वेन टू स्पीक वे टू स्पीक हाउ टू स्पीक कब कहाँ कैसे किससे क्या बात करनी है यह आपको लड़ाई करने से भी बचाती है और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम से भी बचाती है

कि मुझे पता है कि मैं कितना उस आदमी को पेन दे सकता हूं और उसके बाद आई विल चूज नॉट टू गिव दैट पेन टू दैट पर्सन मेक्स मी अ बेटर सो वी आर कॉल्ड जेंटलमैन एक्सप्लेन दिस टू मी ओके सो फॉर इफ मी आई गिव यू वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो मैं सब बच्चों को देता हूं दो ईट लीजिए मार दीजिए टूट हाँ. जाएंगे टूट जाएंगे एक कॉटन का इतना बड़ा सैक ले लीजिए और ईट हाँ. ले लीजिए हाँ. अब आप रुई को ईट पे मारो ईट को रुई में मारो रुई को कुछ नहीं होता सर मोबाइल लीजिए जमीन पे गिराइए मोबाइल टूट जाएगा वही मोबाइल को आप सोफे में गिराएंगे वो बाउंस कर जाएगा दैट इज अ रिलेशनशिप आप मेरे बड़े भाई हैं uh. आपको मेरे पे गुस्सा आया आपने मुझे गाली दी मैंने आपको थप्पड़ मार दिया uh. आप मुझे चार थप्पड़ और मारेंगे uh. और मगर मैंने आपको बोल दिया ब्रदर आई एम सॉरी तो uh. आप मुझे हक कर लेंगे uh. ये लाइफ का जो प्रिंसिपल है हार्ड एंड सॉफ्ट दैट सॉफ्ट इज ऑलवेज स्ट्रांगर देन हार्ड स्टोन पेपर सीजर सब खेलते हैं uh. तो पेपर कैसे जीत जाता है स्टोन से क्यों जीतता है आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं क्यों जीतता है पेपर Soft is way stronger, soft की जो पावर है वो महात्मा गांधी सॉफ्ट थे Heart को जीत के देश आजाद करा दिया सर so आपने मेरे पे गोली चलाई तो मूवी थोड़ी सनी देल की मैं सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाऊंगा आई हाइड आई लेट दैट फोर्स गो एंड देन आई फायर बैक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फाइटिंग ऑल्सो बट जो मुझे समझ में आ रहा है और जो मैंने पढ़ा है हुँ. आप वही बात कह रहे हैं जो मैंने पढ़ा है हुँ. और कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट हारमोनी ऑल्सो सर इट्स अ इट्सैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरा मार्शल आर्ट्स बिल्कुल जी आपकी फौज में भी यही है डिसिप्लिन माइंड बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू आपके पास गन है बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना यू हैव टू कंट्रोल दैट दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग दिस इज द वेपन

यू नो कुफू मास्टर इन फ्रंट ऑफ हस एंड ही स्टोल्ड अस काफी कुछ चीज़ें शिफू कनेक्शन हमें बताई ही वॉज द फर्स्ट वन हु गॉट द शाउल इन फाइटिंग स्किल्स शाउल इन कुंफू टू इंडिया तो पहले शिफू हैं ये जो भारत में ये लेकर आए चीन से uh, दोस्तों ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गौरावरिया शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगले हफ्ते फिर आऊँगा आल कम बैक अगेन नेक्स्ट वीक एंड ब्रिंग यू अनर द स्पेशल गेस्ट टिल देन हैव अ ग्रेट वीक एंड